नमस्कार विद्यार्थियों, क्या हाल है तुम्हारा? अपन अंतरराष्ट्रीय संबंध के अंदर अंतरराष्ट्रीय संबंध अंतरराष्ट्रीय संबंध में पढ़ रहे थे अपन। भारत की विदेश नीति भी देखी अपने, यूएनओ भी देखा और कई बातें अपन ने देखी, सार्क, आसियान वगैरह ये भी अपन ने पढ़ा है। अब आज अपन पढ़ेंगे भारत एवं उसके पड़ोसी। भारत एवं उसके पड़ोसी, भारत और उसके पड़ोसी जो देश हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि भारत के साथ में उनका किस प्रकार का संबंध है, भारत क्या चाहता है और वो लोग क्या चाहते हैं। भारत हमेशा उनके साथ सहयोग की भावना रखता है, मदद की भावना रखता है, शांतिपूर्वक वार्ताएं करता है, बट लेकिन उन लोगों के जिहाद में, उन लोगों के दिलों में ऐसी भारत के प्रति कोई शायद नफरत है कि वो बार बार और हमारे को परेशान करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को ये ज्ञात होना चाहिए कि भारत एवं उसके पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं। तो अपन देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए ये अपन भारत का मैप, इसके ऊपर और थोड़ा ऐसा करकना करेंगे। तो भारत के उत्तर में देखिए, सबसे पहले भारत के उत्तर में यानी भारत की जो उत्तर दिशा है उसके अंदर भारत के उत्तर में इसके पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं। नंबर एक कौन सा है भाई? चीन है। नंबर दो नेपाल है। नंबर तीन भूटान। चीन, नेपाल, भूटान ये भारत के उत्तर में है। चीन की राजधानी बताओ कौन सी है? अरे बीजिंग है। कौन सी है? बीजिंग है भाई। नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, ये पड़ोसी राष्ट्र हमारे भारत के उत्तर में है। भारत के पूर्व में भारत के पूर्व के अंदर ये तो उत्तर में हो गए चीन, नेपाल, भूटान। पूर्व में देखिए, पूर्व में बांग्लादेश। पहले क्या था ये? पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार, पुराना नाम क्या है उसका? बर्मा। और बर्मा का नया नाम क्या है? म्यांमार। बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका है। और इसकी रंगून, लेकिन आजकल तो आई पाई ऐसे कुछ करके नाम है, क्या हो गया? रंगून। ये भारत के पूर्व में। अब भारत के दक्षिण के अंदर भारत के दक्षिण में श्रीलंका, श्रीलंका की राजधानी
कोलंबो कौन सी है? कोलंबो ये है श्रीलंका। एक यहां पर जलसंधि है, क्या नाम है उसका? पाक जलसंधि। ये इसको भारत और श्रीलंका को अलग करती है, कौन सी? पाक जल संधि। पश्चिम में देखिए, भारत के पश्चिम में और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है भाई? इस्लामाबाद। ये जो राज है, ये जो क्षेत्र है, ये किसका है? पाकिस्तान का है। ये श्रीलंका होगी, ये यहाँ पर अपना बांग्लादेश है, ये लगभग यहाँ से बर्मा है, और बाकी ये चाइना, फिर नेपाल और भूटान वगैरह आते हैं। अब भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा है? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है भाई? काबुल। कौन सी है? काबुल है। तो हमारे भारत और पाकिस्तान के मध्य में देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक लाइन है, एक रेखा है, सीमा रेखा, उसे किस नाम से जानते हैं अपन? रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? रेड क्लिफ। ये इधर भी बांग्लादेश के साथ में भी कौन सी लगती है? रेड क्लिफ ही लगती है, क्योंकि पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये पश्चिम पाकिस्तान था। अफगानिस्तान के साथ में ये अपना जो जम्मू कश्मीर है, पहले स्टेट था और वर्तमान में ये दो क्या बन गई? केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इनकी सीमा लगती है किससे? अफगानिस्तान से। तो यहाँ कौन सी रेखा है? यहाँ डूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा है। भारत और चीन के मध्य में, भारत और चीन के मध्य में भी एक सीमा रेखा है, जिसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है उसका भाई? मैकमोहन रेखा। तो ये अपने क्या है? ये पड़ोसी हैं। अब इन पड़ोसियों के साथ में अपने संबंध किस प्रकार से है? तो भारत एवं उसके पड़ोसी, ये आ गया यहाँ तक ये समझ में। अब कितने हो गए इसके पड़ोसी देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये घनिष्ठ इसके ज्यादा नजदीक हैं। तो भारत एवं उसके पड़ोसी। अब अपन करते हैं भारत का पड़ोसी जो देश है, इसी का जो छोटा भाई था क्या? पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करेंगे अपन, भारत और पाकिस्तान के संबंध किस प्रकार के हैं? ये तार भी आपने, तार लोही से चलो। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत पाक संबंध देखेंगे अपन, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच।
ये हमें ज्ञात है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जैसे ही आजाद होता है तो भारत का क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। क्या हो गया भाई, भारत का विभाजन हो गया, एक क्या बन गया पाकिस्तान, यानी ये अलग अपनी डिमांड रखने लग गया था कि मुझे अलग होना है, इसलिए पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो जाता है। अब जब इनका एक स्टेटमेंट बना, जो एग्रीमेंट बना जिसके ऊपर लिखे गए जो वर्ड थे उनमें ये था कि उन्होंने एक बात लिख दी भाई, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि जितनी भी रियासतें हैं वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं या फिर वो भारत में भी शामिल हो सकती हैं और किसमें पाकिस्तान में भी शामिल हो सकती हैं। अब कई रियासतें मुस्लिम रियासतें थी, कई जो रियासतें थी वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, कई रियासतें भारत में शामिल होना चाहती थी। तो उस समय हमारे देश के प्रथम जो गृह मंत्री बने वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया और उनके सामने, उन्हें वैसे लोह पुरुष भी कहा जाता है, उनके सामने समस्या ये आ गई कि अब इन रियासतों को भारत के अंदर विलय किस प्रकार से किया जाए। तो ये समस्या ही आ गई, भारत पाक का जैसे ही विभाजन होता है तो कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब उन समस्याओं में जैसे ही विभाजन हुआ तो विभाजन से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं रियासतों की, क्योंकि रियासतों का जैसे एकीकरण चलता है तो एकीकरण के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ की जो रियासत थी भाई, जूनागढ़ काठियावाड़ और ये कहां पर है, काठियावाड़ गुजरात। जूनागढ़ की जो रियासत थी ये मुस्लिम रियासत थी, कैसे रियासत थी, मुस्लिम रियासत। यहाँ का जो शासक था वो किस में शामिल होना चाहता था, पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जनता नहीं चाहती थी कि हम पाकिस्तान में शामिल हों। जनता क्या चाहती थी, जनता चाहती थी कि हम किस में शामिल रहें, भारत में। इसलिए जनता की भावना को जान करके सलाह ली जाती है, जैसे एडवाइस हुई, सर्वे हुआ, सर्वे में जनता ने ये कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं, तो ज़्यादा वोटिंग होने के कारण और फिर इस रियासत को भारत में ही क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। हैदराबाद, हैदराबाद की जो रियासत है, हैदराबाद में जो शासक थे वो क्या थे, निजाम कहलाते थे वही। हैदराबाद के जो शासक थे वो क्या कहलाते थे, निजाम। तो निजामों का यहाँ पर शासन था, निजाम बड़े थोड़े अत्याचारी थे लेकिन जनता उनसे क्या थी, परेशान थी, तो वो भी ये पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहते थे, लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की जो जनता थी भाई, वो भी भारत में शामिल होना चाहते थे, वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो पटेल जी की सूझबूझ से और यहाँ पर एक ऑपरेशन कराया जाता है और उसका नाम है ऑपरेशन पोलो के नाम से यहाँ एक सेना भेजी जाती है और वो सेना वहाँ जा करके इसके ऊपर विजय प्राप्त करती है और फिर ये हैदराबाद में किस में शामिल हो जाता है, भारत के अंदर शामिल हो जाता है। जूनागढ़, हैदराबाद। अब देखिए समस्या और क्या, ऋण वाली समस्या। ऋण चुकाने की समस्या, भारत और पाक का जैसे विभाजन होता है तो पाकिस्तान से जो शरणार्थी हमारे यहाँ पर आते हैं वो अपना सब कुछ वहीं छोड़ आए, तो पाकिस्तान के ऊपर लगभग 3000 करोड़, कितना भाई,
3000 करोड़ रुपए उसके ऊपर ये आका गया कि भाई ये आप भारत को दोगे। किसको दोगे? भारत को दोगे आप। भारत ने उनका जो आका था वो दे दिया, लेकिन आज तक वर्तमान तक पाकिस्तान ने ये कर्जा हमें नहीं चुकाया है, और फिर भी उसके बावजूद भी ये भारत की हमेशा नाक में दम करता रहता है। तो ये 3000 करोड़ रुपए चुकाने थे लेकिन वो चुकता नहीं कर पाए, तो ये समस्या भी विभाजन के बाद में जो समस्याएं उत्पन्न हुई। नंबर 4 में देखिए, नहरी पानी विवाद। नहर का जो पानी था उसका भी विवाद था दोनों देशों के मध्य में। एक सिंधु जल भी संधि हुई है, सिंधु नदी वहाँ जाती है, उसके ऊपर भी इनकी सहमति हुई है, संधि हुई है। तो नहरी पानी विवाद ये भी एक समस्या हो गई। शरणार्थियों का प्रश्न नंबर 5 में अपन लिखेंगे, शरणार्थियों का प्रश्न कि शरणार्थी वहां से आ गए पाकिस्तान से, शरणार्थी कहां पर आ गए? भारत में आ गए। अब उन्हें भाई निवास के लिए स्थान चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, ये प्राथमिक जो चीज़ें हैं ये तो उपलब्ध करवानी होंगी। तो इस शरणार्थियों का प्रश्न भी गवर्नमेंट के सामने आ गया, सरकार के सामने, कि इस समस्या से कैसे सुलझा जाए। तो ये भी एक क्या होगी प्रॉब्लम। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर हमेशा विवाद रहता है, क्या? कश्मीर विवाद। कश्मीर विवाद और ये समस्या शायद चलती ही रहेगी, इसके ऊपर कभी भी कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, क्योंकि भारत ये कहता है कि कश्मीर हमारा है, जबकि भारत से ज़्यादा पाकिस्तान ने इसके ऊपर अवैध कब्जा कर रखा है। पीओके क्षेत्र इसको कहते हैं। तो ये बहुत सारी कई समस्याएं हैं जो भारत और पाक विभाजन के समय हुई। अब इसके संबंध अपन नेक्स्ट